हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैसल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एपटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में आई बटन को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में भी देखा होगा, जो यूट्यूबर है वो बोलते हैं कि मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो आई बटन है, ये आप अपनी वीडियो में किस तरीके से ऐड करते हैं। नए यूट्यूबर को ये नहीं पता है कि आई बटन क्या है और उसे किस तरीके से ऐड करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप भी अपना जो है आई बटन अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग आए मेरे चैनल पर, नए चैनल कर लेना सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो, हेल्पफुल वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जैसे जाएंगे, तीन डॉट पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप वाला जो साइड है उसको ओपन कर लेना है। अब उसको ओपन कर लेंगे आप तो आपके सामने कुछ इस तरीके सा इंटरफेस होगा। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा जो डेस्कटॉप वाला साइड है ओपन नहीं है, तो भाई मैंने पहले से सेटिंग से सेटिंग के अंदर से इसको सेट करा हूँ, इसकी वजह से बार बार मुझे डेस्कटॉप वाला साइड ओपन नहीं करना पड़ता है। अब आपको करना क्या है आई बटन लगाने के लिए, तो ऊपर से तीन डॉट है इस पर क्लिक कर लेना है और माई चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। माई चैनल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो मैनेजर को ओपन कर लेना है। वीडियो मैनेजर को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने जो वीडियो है वो आपके चैनल के पूरे वीडियो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको किस वीडियो पे अब लगाना है आई बटन, अब मुझे लगाना है इस वीडियो पर आई बटन, सेकंड वाला वीडियो जो है, तो इस पर आपको एडिट पर क्लिक कर लेना है। अब एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कार्ड जो दिख रहा है, कार्ड्स, इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। अब कार्ड्स को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको आई बटन वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे आई बटन लगाना है। यहाँ पे एक मिनट पे लगाना है, दो मिनट पे लगाना है, तो मुझे एक मिनट पे लगाना था, एक मिनट पे यहाँ पे सेट कर लिया हूँ मैंने, एक मिनट पे सेट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो ऐड, इसको वीडियो को आपको पॉज करना है इस तरीके से, और फिर आपको इस तरीके से आपका जो बान है जहाँ लगाना है आई बटन वहाँ पे आपको इस तरीके से लेके जाना है। ये हो गया मेरा सेट। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ड और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वीडियो और प्लेलिस्ट, ये क्रिएट कर लिया हूँ यहाँ से। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको कौन सा वीडियो लगाना है, तो ये जो सेगा वाला जो वीडियो है ये मुझे, ये सेकंड वाला है जो मेलगा टाइगर रिजर्व, ये मुझे लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ और क्लिक करने के बाद क्रिएट कार्ड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है मेरा ये हो गया है सही से, ये आई बटन यहाँ पे सेट हो गया। प्ले करके यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर जो है मेलगा टाइगर रिजर्व, मैंने आपको प्ले करके दिखाया है किस तरीके से वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से करना है और आपको ऊपर ये बान है इस पर क्लिक कर लेना है। वो क्या होगा, बान क्लिक करेंगे तो आप अपने जो है फिर से वीडियो मैनेजर पर चले जाएंगे और वो जो आपका वो आई बटन है वो सही तरीके से सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि किस तरीके से आई बटन को आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो कर देना भाई लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।